हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्किन कैंसर के दो टाइप बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा उसके बारे में पढ़ लिया था। आपने वीडियो नहीं देखा है एंड स्क्रीन के अंदर लिंक दिया गया है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तीसरा जो कैंसर का टाइप था वो था मैलिग्नेंट मेलानोमा, इसको पढ़ना बाकी था। तो आज के इस वीडियो में हम मैलिग्नेंट मेलानोमा जो है वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मेलिग्नेंट मेलानोमा जिसको ब्लैक ट्यूमर कहा जाता है एक प्रकार का स्किन का सीरियस कैंसर होता है जो कि स्किन की पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल होती है मेलानोसाइट उसके अंदर डेवलप होता है। मेलानोमा है क्या? तो मेलानोमा इज ए कैंसरस नियोप्लाज्म इन विच एबनॉर्मल मेलानोसाइट आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस एंड द डर्मिस समटाइम इन सबकोटेनियस सेल। तो मेलानोमा जो होता है वो एक प्रकार का कैंसरस नियोप्लाज्म होता है, मतलब नई ग्रोथ होती है जो कि मेलानोसाइट जो है उसके अंदर होती है, और ये ज़्यादातर एपिडर्मिस जो होती है उसके अंदर होता है। इसके अलावा ये डर्मिस के अंदर भी होता है और कभी कभी ये सबकोटेनियस सेल जो होती है वहाँ पर भी हो सकता है। इंसिडेंस की अगर बात करते हैं तो ये ज़्यादातर मिडल एज जो होती है, खास करके 20 से 45 साल उसके अंदर ये ज़्यादा डेवलप होता है। कॉज के किन कारणों से ये मेलानोमा होता है तो इसका एग्जैक्ट कारण जो है वो तो क्लियर नहीं है, मतलब किन कारणों से ये हो रहा है वो अभी तक ज्ञात नहीं है। कुछ कारण जो सजेस्ट किया गया है वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन, मतलब सूर्य का प्रकाश जो होता है सनलाइट उसके अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है पराबैंगनी किरणें उसके प्रभाव के कारण से ये मेलानोमा हो सकता है। मेलानोमा होता कैसे हैं? तो नॉर्मली मेलानोसाइट सेल जो होती है उसका काम होता है मिलेनियम पिगमेंट जो है वो प्रोड्यूस करने का, और यही मिलेनियम पिगमेंट जो होती है वो स्किन को टोन देने का काम करती है। कभी कभी क्या होता है कुछ एरिया के अंदर यही मिलेनियम साइट जो सेल होती है वो एक्यूमुलेट हो जाती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेनियम प्रोड्यूस कर लेती है और उसके कारण से वहाँ पर मोल जिसको तिल जो है वो बन जाता है। अब मेलानोमा जो होता है वो क्या होता है कि ये मेलानोसाइट सेल जो होती है वो कोई सेल जो होती है वो क्या होता है कि उसके डीएनए जो होता है वो डैमेज हो जाता है, और डीएनए डैमेज होने के कारण से वो सेल जो होती है वो नॉर्मल मेलानोसाइट सेल से अलग हो जाती है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि नई सेल जो है वो बन जाती है। और अब ये जो नई सेल जो बनती है जिसका डीएनए डैमेज रहे या एबनॉर्मल है उसके ऊपर कंट्रोल जो होता है वो नहीं रहता, नहीं रहने के कारण से फिर इसके अंदर अनियंत्रित दर से सेल डिवीजन होता है, मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है और उसके कारण से वहाँ पर एक कैंसरस मास जो है मतलब ट्यूमर वो बन जाता है और उसी को मेलानोमा जो है वो कहा जाता है। रिस्क फैक्टर या जोखिम कारक जो कैंसर की संभावना को बढ़ा सकते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है फेयर स्किन, मतलब जिनकी त्वचा का रंग जो है वो फेयर है गोरे है उनको होने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि उनके अंदर पिगमेंट जो होता है मेलानिन पिगमेंट वो कम होता है, और ये पिगमेंट जो होता है वो क्या करता है कि सूर्य की जो यूवी रेज जो होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सेकंड जो होता है वो होती है ए हिस्ट्री ऑफ सनबर्न, किसी व्यक्ति को यदि सनबर्न की हिस्ट्री है और सनबर्न भी सीवियर सनबर्न है जिसमें उसको ब्लिस्टरिंग हो रही है तो उस व्यक्ति को भी मेलानोमा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। थर्ड एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है या लाइट उसका ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है तो उसके कारण से भी ये कैंसर हो सकता है। फोर्थ वन लिविंग क्लोजर टू इक्वेटर और एट हायर एलिवेशन, मतलब अर्थ जो इसको इक्वेटर के पास में या कोई हायर एलिवेशन पर रहता है तो उसको भी मेलानोमा जो है होने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में इक्वेटर के पास में रहेगा तब या हायर एलिवेशन पर रहेगा तब, दोनों ही कंडीशन में वो सन के एक्सपोजर में ज़्यादा आएगा और उसके कारण से ये हो सकता है। फिफ्थ वन हैविंग मेनी मोल और अनयूजुअल मोल, मतलब कोई व्यक्ति है उसको बहुत सारे मोल है तिल है या असामान्य रूप से मसे है तिल है तो उसको भी ये संभावना ज़्यादा रहती है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेलानोमा, पारिवारिक इतिहास है यदि मेलानोमा का, मतलब किसी पेरेंट्स को है या उनके और कोई रिलेटिव को है तो उनके बच्चों को भी मेलानोमा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सेवन वन वीकेंड इम्यून सिस्टम, यदि कोई व्यक्ति जो है उसका इम्यून सिस्टम जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कमज़ोर है तो उसको भी मेलानोमा जो है होने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे सेल डिफ्रेंशिएट होगी अलग होगी इम्यून सिस्टम आएगा और उस अलग हुई सेल को डैमेज कर देगा या नष्ट कर देगा, लेकिन यदि इम्यूनिटी जो है वही कम है तो उस सेल को वो किल नहीं कर पाएगा मार नहीं पाएगा और उस कंडीशन में वो सेल जो होगी वो फिर मल्टीप्लाई होगी और कैंसर का रूप ले लेगी। कुछ रिस्क फैक्टर हो जाएंगे जो मेलानोमा की संभावना को बढ़ा सकते हैं। अब बात करेंगे हम इसके साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की कि मेलिग्नेंट मेलानोमा जो है उसके अंदर क्या लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहला डेवलप एनीवेयर इन द बॉडी, बॉडी में ये कहीं पर भी डेवलप हो सकता है, जैसा कि बेसल सेल कार्सिनोमा स्क्वामस जो होते हैं वो सन एक्सपोजर एरिया में होते हैं जबकि इसके साथ ऐसा नहीं है, ये बॉडी में कहीं पर भी डेवलप हो सकता है। अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑन द ट्रंक एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज,
ज़्यादातर ये ट्रंक जो होता है मतलब चेस्ट और एब्डोमन या बैक वाला पार्ट होता है वहाँ पर, या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज जो है पैर जो होते हैं वहाँ पर ये डेवलप हो सकता है। इसका जो फर्स्ट साइन जो होता है वो होता है चेंज इन साइज शेप कलर और फील ऑफ ए मोल, मतलब शरीर पर कोई मसा या तिल मौजूद है तो उसका जो आकार जो होता है उसमें या शेप जो है उसके अंदर उसमें या उसका जो रंग जो है उसके अंदर बदलाव आते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक रूल जो होता है वो काम में लिया जाता है ए बी सी डी ई, और इसकी मदद से इसके साइन जो है उसकी पहचान की जाती है। इसमें ए का मतलब तो होता है एसिमेट्री, मतलब अनियमित या विषमता होती है। कोई मोल जो है उसके जो किनारे जो है वो सिमेट्री नहीं है, मतलब आकार अनियमित है। सेकंड बी से होता है बॉर्डर, तो बॉर्डर जो होता है मोल का वो इरेगुलर है, नोच रहे, अनइवन या ब्लर्ड है, मतलब किनारे अनियमित है, धुंधले हैं, तो ये भी एक साइन हो सकता है। सी से होता है कलर ग्रो हैव मैनी कलर एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, तो मोल जो होते हैं उसके अंदर बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं, या वो ब्लैक हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, या भूरे रंग के हो सकते हैं। साथ ही साथ उनके कलरों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी अलग अलग होता है, कि ये भी एक मेलानोमा का संकेत हो सकता है। इसे डायमीटर होता है, मतलब न्यू ग्रो इन ए मोल लार्जर देन 6 mm, मतलब नया कोई मोल बन रहा है और वो उसकी जो साइज जो है वो 6 mm जो है उससे ज़्यादा है, तो वो भी कैंसर का संकेत हो सकता है। इसे होता है इवॉल्विंग, मतलब मोल ग्रो इन साइज एंड चेंज कलर और शेप, मतलब मोल जो होता है कोई नया मोल जो है वो ग्रो कर रहा है और साथ ही साथ उसका जो कलर जो है और शेप जो है उसके अंदर बदलाव आ रहा है, मतलब बॉडी के अंदर एक कोई ऐसा मोल दिख रहा है जिसका साइज और शेप के अंदर चेंजेस आ रहे हैं और वो तेजी से ग्रो कर रहा है, तो वो भी मेलानोमा का एक संकेत हो सकता है। लेट स्टेज के अंदर इसमें ईचिंग, ब्लीडिंग, ओजिंग, क्रस्टिंग पेन होता है, मतलब बाद में जाके कैंसर बड़ा रूप ले लेगा, तब वहाँ पर खुजली आ सकती है, ब्लीडिंग आ सकती है वहाँ से, वहाँ पर ओजिंग मतलब प्लाज्मा बूंद बूंद में जमा हो सकते हैं, इसके अलावा वहाँ पर पपड़ी क्रस्टिंग हो सकती है, साथ ही वहाँ पर पेन जो है वो भी हो सकता है। तो ये तो हो जाएंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम मेलानोमा के। अब बात करें इसको डायग्नोसिस कैसे करना, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो होता है उसमें सबसे पहला तो हिस्ट्री होती है, पेशेंट जो उसकी फैमिली हिस्ट्री जो है वो ली जाती है, किसी को मेलानोमा तो नहीं है। इसके अलावा उसकी प्रीवियस हेल्थ हिस्ट्री जो है वो ली जाती है, स्किन रिलेटेड उसकी कंडीशन के बारे में पूछा जाता है कि प्रीवियसली कोई बेसल सेल कार्सिनोमा या कैंसर जैसी कंडीशन तो नहीं हुई थी, प्रेजेंट में जो उसकी कंप्लेन है वो नोट की जाती है। सेकंड जो होता है वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें स्किन जो है उसको इंस्पेक्ट किया जाता है, मोल जो होता है खास करके उसको इंस्पेक्ट किया जाता है कि शरीर के ऊपर जो कोई मसा या तिल मौजूद है उसको ए बी सी डी ई रूल्स जो है उसके द्वारा उसकी जाँच की जाती है। थर्ड वन जो है इसका फाइनल वो होता है स्किन बायोप्सी। स्किन बायोप्सी जो होती है वो कन्फर्मेटिव होता है, हमने प्रीवियसली बात की थी कि टिश्यू जो इसका सैंपल लिया जाता है उसका साइटोलॉजिकल हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और इसके द्वारा फाइनल डायग्नोसिस जो है वो किया जाता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट के अंदर LDH लेवल जो है वो देखा जाता है, LDH मतलब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, ये मेटास्टेसिस तो नहीं हो रहा है ये चेक करने के लिए उसको देखा जाता है। इसके अलावा सीटी स्कैन जो है वो करवाई जाती है, एक MRI जो होती है वो करवाई जाती है, एक PET जो होती है पेट स्कैन वो करवाया जाता है। इसके द्वारा मेलानोमा जो है उसकी मेटास्टेसिस जो होता है मतलब बॉडी के अंदर कितना फैला हुआ है, ये ट्यूमर कहीं और तो नहीं जा रहा है, इसका पता लगाया जाता है। तो ये तो हो जाएंगे इसके डायग्नोस्टिक वायलेशन। तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला तो सर्जिकल एक्सीजन किया जाता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर जो है उसको सर्जरी के द्वारा पूरी तरह से बाहर निकाल लिया जाता है। इफ ट्यूमर डीपर देन स्किन ग्राफ्टिंग मे बी नीडेड, यदि ट्यूमर जो है वो ज़्यादा गहराई के अंदर है तो फिर स्किन ग्राफ्टिंग जो है मतलब कहीं और से स्किन का टिश्यू लेके वहाँ पर अप्लाई किया जाता है, ये इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा रीजनल लिम्फ नोड डिसेक्शन इज कॉमनली प्रीफर्ड टू रूल आउट मेटास्टेसिस, आसपास के जो लिम्फ नोड जो होते हैं उसको भी काट करके निकाला जाता है ताकि वहाँ पर मेटास्टेसिस तो नहीं हो रहा है वो पता करने के लिए। सेकंड जो होती है वो होती है इम्यूनोथेरेपी, तो इम्यूनोथेरेपी के अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डायरेक्टेड एट द मेलानोमा एंटीजन, मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है प्रिपेयर एंटीबॉडीज होती है, और ये एंटीबॉडी जो होती है वो मेलानोमा जो सेल होता है मेलानोमा ट्यूमर है वहाँ पर डायरेक्ट की जाती है, पहुँचाई जाती है। उसके बाद ये एंटीबॉडी जो होती है वो क्या करती है, मेलानोमा सेल जो होती है उसको फिर डिस्ट्रॉय करती है, मतलब किल करने का काम करती है। थर्ड वन जो काम में ली जाती है वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर साइटोटॉक्सिक ड्रग जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है कैंसर सेल को किल करने के लिए, इसके बारे में डिटेल में हम अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मेलानोमा में यदि मेटास्टेसिस हो गया है तो उस कंडीशन में कीमोथेरेपी जो है वो काम में ली जाती है।
फिफ्थ वन जो होता है वो होता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी के अंदर आयोनाइजिंग रे जो होती है उसके द्वारा ट्यूमर को किल किया जाता है। इसके बारे में भी हम अलग चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ये ज़्यादातर सर्जिकल एक्सीजन किया जाता है, सर्जरी के द्वारा ट्यूमर निकालने के बाद रेडिएशन थेरेपी काम में ली जाती है ताकि ट्यूमर जो है उसको दोबारा या रियोकरेंस जो है वो नहीं हो। अब बात करेंगे मेलानोमा जो है उसके प्रिवेंशन की। तो सबसे पहला अवॉइड सन एक्सपोजर, सन एक्सपोजर जो है उससे बचना है। डोंट यूज़ टैनिंग बेड, टैनिंग बेड जो होते हैं मतलब लाइट वाले बेड उसका इस्तेमाल नहीं करना है। वियर हैट, सन ग्लासेस एंड लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट, तो हैट जो होती है टोपी उसका, सन ग्लासेस या लंबी आस्तीन के कपड़े जो होते हैं वो पहनने ताकि धूप जो है सनलाइट उससे बचाव हो सके, अल्ट्रावायलेट रेस जो है उससे स्किन जो है उसका बचाव हो सके। फोर्थ वन यूज सनस्क्रीन, सनस्क्रीन जो होती है उसका इस्तेमाल करता है जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से स्किन के बचाव करेगा। यूज ए लिप बाल्म विथ सनस्क्रीन, सनस्क्रीन के साथ लिप बाल्म जो है उसका भी उपयोग करना है क्योंकि ये मेलानोमा जो होता है वो लिप्स जो होते हैं वहाँ पर भी डेवलप हो सकता है। अर्ली डिटेक्शन टू मिनिमाइज रिस्क, कैंसर जो है उसका जल्दी से जल्दी पता लगा लेना है ताकि इसकी गंभीरता जो है उसको बढ़ने से रोका जा सके। अर्ली डायग्नोसिस करके जल्दी से जल्दी इसको रिमूव किया जा सके। अब बात करें मेलिग्नेंट मेलानोमा के नर्सिंग केयर की, तो यदि सर्जिकल रिमूवल हुआ है तो उसमें इंसिजन साइट जो है उसको इंस्पेक्ट करना है, देखना है कि वहाँ पर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। सेकंड, इसके अंदर एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो चलाई जाती है। यदि ग्राफ्टिंग की गई है, स्किन ग्राफ्टिंग की गई है तो डोनर साइट जो है उसको भी असेस करना है कि वहाँ पर कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा एंटीमाइक्रोबियल सॉप जो है उससे स्किन जो है उसको क्लीन करना है ताकि इन्फेक्शन की संभावना कम हो। बी श्योर नॉट टू गेट स्किन ग्राफ्ट वेट एंड डोनर साइट, तो साथ ही साथ आपको ये श्योर होना है कि स्किन ग्राफ्ट और डोनर साइट उसको गीला होने से प्रिवेंट करना है, बचाना है क्योंकि गीले होने से वहाँ पर इन्फेक्शन की संभावना रहेगी। प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन एक्सपोजर, साथ ही सन एक्सपोजर जो है या सूर्य के प्रकाश से उस एरिया को बचाना है। यदि रेडिएशन थेरेपी के अंदर गया है पेशेंट तो उसके लिए हमें स्किन जो है उसको असेस करना है किसी रेडनेस के लिए, इरिटेशन के लिए। अगला, अवॉइड यूजिंग क्रीम और लोशन, स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार के क्रीम या लोशन जो है उसको उपयोग का मना करना है, मतलब अवॉइड करनी है। प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम सन एक्सपोजर, सन एक्सपोजर जो है उससे स्किन को प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा इन्फेक्शन के साइन के लिए असेस करना है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट जो है उसको प्रोवाइड करनी है। पेशेंट को क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे, तो टीच फॉर रेगुलर स्किन सेल्फ एग्जाम असेसमेंट, पेशेंट जो है उसको टीच करना है कि वो स्किन जो है उसका रेगुलर एग्जामिनेशन करता रहे, साथ ही साथ वो असेसमेंट करता रहे। एडवाइस पेशेंट टू चेक ऑल एरिया ऑफ द स्किन, पेशेंट जो इसको एडवाइस देनी है कि स्किन के सभी एरिया जो है उसको अच्छे से वो चेक करे, स्पेशली बैक जो है उसको चेक करे। उसके लिए वो मिरर जो है उसके सामने खड़ा हो जाए और अपने स्किन जो है उसके सभी एरिया को वो अच्छे से वो चेक कर ले। एक्सप्लेन पेशेंट टू व्हाट लुकिंग फॉर न्यू मोल, साथ ही पेशेंट को बता देना है कि यदि बॉडी के ऊपर कोई नया मोल दिखाई देता है, मसा या तिल कोई नया आता है तो उसको क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या ऑब्जर्व करना है, उसको ABCDE रूल्स जो होते हैं उसके बारे में समझा देना है। तो ये था मैलिग्नेंट मेलानोमा स्किन रिलेटेड डिसीज कंडीशन जो है उसका जो नर्सिंग केयर प्लान जो है वो कॉमन रहेगा। कॉमन नर्सिंग केयर प्लान हम अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नर्सिंग रिलेटेड और टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।